गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आश्रम से महेंद्र भगत जी ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी उस प्रमाण की किसी फोटो स्टूडियो वाले से फोटो खिंचवा लो कि बगैर सीडी के और बगैर लाइट के अपने आप सीडी प्लेयर में और टीवी पे और टीवी के ऊपर वो उसके पर्दे के टीवी पर्दा उसके अंदर उस पर्दे के ऊपर फोटो आया हुआ है गुरु सतगुरु जी का इस दास का। मैं एक स्टूडियो वाले के पास स्टूडियो वाले को जिसका नाम किरण बालकृष्ण रोकड़े था के पास गया, उसे ले आया। इस कार्य के बीच में एकाक मुझे एहसास हुआ कि मैं इतना दौड़ भाग कैसे कर रहा हूं। अरे मैं तो 3 दिन से चारपाई पर भयंकर दृश्य पीड़ित था और मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये लीला करके मुझे पूर्ण स्वस्थ प्रदान कर स्वास्थ्य प्रदान कर दिया। कहते ही खाट पर पड़ा था, उठा भी ना जाता और उसके बाद इस कन्या भी याद न रहा तो बीमार है। दौड़ा दौड़ा पड़ोसियां बुला के लावा आ जाओ और एक भाग कर गया दूर एक स्टूडियो वाले को फोटो खिंचवाने के लिए उसके लिया बुला के। अर्खियों का मेरे याद भी कोई ना, मैं बीमार भी था। ए बंदी छोड़े लीला करके मुझे स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान कर दिया। मैंने परमेश्वर कबीर साहेब स्वरूप अपने गुरुदेव जी का बार बार गुणगान किया और सभी को अपने आप पर हुई इस असीम कृपा से अवगत कराया। उसके बाद जब कैमरा मैन किरण बालकृष्ण रोकड़े ने परमेश्वर की इस लीला को देखा तो वह घबरा गया कि आपने इस LCD DVD प्लेयर पर कोई जादू तो ना किया है क्या कि यू बिना CD के और बिना लाइट में लग गया पर बोलने लग रहा तुमने कोई जादू टोना कर रखा है, मैं इसका फोटो नहीं खींचूंगा। उडर गया कहते तेरे क्यों गड़बड़ हो जा। जब मैंने उसको समझाया कि ये कोई जादू टोना नहीं है, हमने उसे सतगुरु देव जी का तत्वज्ञान और उनकी असीम कृपा के बारे में बताया, तब उसने जाकर फोटो खींचे तथा खुद कैमरामैन किरण बालकृष्ण रोगड़े स्वयं इस प्रमाण का गवाह बने तथा परमेश्वर का ज्ञान समझाने के बाद सतलोक आश्रम हमारे साथ महाराष्ट्र से चल कर आई है। वो भी यहाँ आया हुआ है वो कैमरामैन भी, और उसने लिख कर दिया है कि मेरे साथ मैं तो हैरान हूं आज तक मैंने ऐसी कोई लीला देखी ना सुनी किसी संत की, और वो भी गवाही देने के लिए आया। पुण्यात्मा ये गवाहियां क्यों दी जा रही है, क्योंकि हमने आज तक किसी का ये अनहोनी होती देखी है को ना, कि तो पहले सतयुग में सुनी होंगी उसने न्यू कर दिया परमात्मा न्यू कर दिया, आजकल कोई नहीं देखा। लेकिन परमात्मा वही है जो सतयुग में करा करते ऐसे ऐसे चमत्कार, लेकिन उससे लाभ लेने की विधि का ना बेरा था हमने। ई भवन विधि मिलेगी जिसे परमात्मा रोज सुख देगा। इसके बाद चलकर आए हैं तथा सब जब अब उन्होंने भी सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश ले लिया, उस लड़के ने भी उस कैमरे वाले ने फोटो स्टूडियो वाले ने भी नाम ले लिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय सत साई, ये इस भगत जी ने लिखकर अपना गवाही दे रखी है। अब ये अपने आप भी कुछ बोलकर आपको बताएंगे बच्चे। मैं हीरालाल महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और मैं जो ये घटना बता रहा हूँ
ये सब सत्य है, ये सत्य के कारण मैं ये सब भक्त लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ में हुआ है वो सच हुआ है, और इसीलिए मैं जो कैमरामैन था उसको भी इधर बुलाया था कि आप उधर चलो आश्रम में, आप जो भाई सब पूछते हैं कि ये झूठ है या ऐसा है जादू टोना है, तो इसके लिए आपको उधर चलना होगा। तो उसने वो देखने के बाद वो घबरा गया, उसके बाद वो इधर आके उसने कल या दो दिन पहले उपदेश लेकर इधर से वो निकल के चले गए, और उसने इधर लिखवाकर एक पर्ची गुरु जी के पास में दे दी। अब हमने उसको जाने का बोल दिया कि आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन गुरु जी ने हमारे से बात किया कि जब हम लेटे हुए थे पलंग पे, बहुत बड़ा पेट हो गया था, तो हम गुरु जी हमसे बात किया कि बेटा उठ, ऐसा दूर से बोला था, हमारे पास में एक दूध वाला आता है, तो हम क्या समझ गया ये दूध वाला होगा, इसको चाय पीने का होगा, इसके लिए अपने को उठने का बात कर रहा है, तो हम उसके ऊपर ख्याल नहीं दिया। फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद में हमारा डीवीडी जो था ऑटोमेटिक वो चालू होगा। उसी दिन एक दिन पहले जो महाराष्ट्र के गणेश भगत जी है इनका दुकान है, इन्हीं की दुकान के ऊपर से हमने वो रिपेयर करके लाया था, और वो चल रहा तो नहीं था, लेकिन इनके पास से रिपेयर करने के बाद में वैसा ही वो रखा था। अरे सुबह में लाइट भी नहीं थी और डीवीडी में कैसेट भी नहीं था, अरे वो नित्य नेम बिल्कुल ऑटोमेटिक चालू हो गया। अभी चालू होने के बाद में तो हम देखा तो हम वो घबरा गए, हम वैसा इधर फोन किया आश्रम में। अब आश्रम में फोन करने के बाद में हमारे कुमेंद्र भगत जी ने बताया कि कोई नजदीक में फोटो वाला हो तो उसको बुला के लाओ और दो कॉपी खिंचवा लो। अभी परमात्मा ने हमारे को ऐसा चमत्कार दिखाया कि पहले हमारे को जगाया, लेकिन हम क्या सोचा कि कोई तो भी हमसे बात किया है और वो निकल गया दूध वाला समझ के हम छोड़ दिया, लेकिन बाद में परमात्मा ने हमारे को जो हमारा पेट कम से कम ऐसा इतना बहुत ये हो गया था, तीन दिन से तो हम खाना भी नहीं खाया था, बहुत दवा खाना ये वो भी नहीं किया था, सिर्फ यूनो का पैकेट और ऐसी गोली वोली लेके तो भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे को परमात्मा ने फोटो निकालने के नाम से वो गांव में भगाया है, इतना भगाया कि हम जल्दी से जाओ बोले और कैमरा वालों के लेके आओ, तो कैमरा वाले भी लाया, और इतने समय में जब हमारा इतना पेट बड़ा था वो पेट किधर ऐसा गायब हो गया वो दिखा भी नहीं। इसके बाद में मैं खुद मेरा देखने को लगा कि अपना ये इतना तबियत कैसे क्या हो गया, फिर हमारे को वो जो फोटोग्राफर था उसको फिर बाद में समझ में आया, हमने उसको बताया कि भाई ये हमारे गुरु जी है, ये हम हरियाणा में जाते हैं और उधर उनका उपदेश लेकर हम इधर आए हैं, इसके लिए हम दवा खाना नहीं जा रहे थे, इसके लिए हमने तुम्हारे को इधर बताया था कि हमारा फोटो खींचवा लो। फिर उसके बाद में उनके थोड़ा वो दिमाग में आया दो तीन दिन के बाद में, फिर हमने उनको बताया कि भाई आपको उपदेश लेना हो या आपको ये सच्चाई देखना है तो आप आश्रम में चल के देख सकते, इसीलिए वो इधर आए थे, इधर उन्हें लाए थे। और इसके बाद में हमारे को जब गुरु जी ने वो बड़ी बड़ी पर्ची दिया है वो हमने हमारे घर पे लगाया है, तो जिसने अभी उपदेश लिया है इसके टोटल सात लोग उधर है ना जो कि दूसरे परमात्मा के शरण में है। अभी हम भी उनको परमात्मा ही कहेंगे लेकिन हमारे परमात्मा तो ये है, लेकिन अभी उनके लिए तो ठीक है। तो उनके वो तीन भाई और उनके सब घर के परिवार में से अकेला आदमी झगड़ा करके इधर आया था तो उपदेश लेने के लिए, तो दो दिन उसने उपदेश नहीं लिया, उसने सब इधर की सच्चाई क्या है जानकर ऑटोमेटिक मेरे से बोला कि मेरे को उपदेश लेना है और मेरे को उधर लेके चलो। फिर मैं उसका पर्ची वर्ची भरा के उनको उपदेश ले लिया, अभी इसके बाद में वो निकल के चले गया। अभी मेरा जो एक बीमारी था तो कम से कम मैं 2003 से परेशान था, अब मेरा खुद का गाड़ी था। अभी वो बीमारी ऐसा था कि मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर किया है, अभी नासिक के इधर महाराष्ट्र के लोग बहुत आए हुए हैं, इनको भी वो पता होगा कि वो कौन कौन डॉक्टर है। अभी बड़े बड़े डॉक्टर के नाम एक कोशिरे बोल के है, एक डॉक्टर धन सिंह चौधरी, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल है इनके, एक डॉक्टर उर्फराज पवार, और बाकी ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर तो बहुत से हुए, और ये जो कोई जो ऐसे करते हैं छूछा जादू मंत्र इधर भी हम जाके आए, किसका मुर्गा कोई अंडा या ऐसा वैसा भी क्या है, लेकिन फर्क नहीं गिरा। सिविल हॉस्पिटल में भी गए उधर भी नहीं गिरा, ऐसे करते करते हमने बहुत नहीं लगा। पुणे में एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर उधर नासिक में आते एक हफ्ते के लिए आते हैं, और वो हमारे जो अल्पेश लड़का है बड़ा लड़का, इसने वो एक दिन पेपर में पढ़ लिया तो बोले पिताजी ये पेपर में ऐसा ऐसे लिखा है तो तुम इनके पास में जाके आओ। तो हमारा एक मुंह बोला भाई है पुलिस में है दोनों भी, उनका एक बड़ा लड़का और ये मेरे को उधर लेके गए। अब उसके पास में ले जाने के बाद में उसने वो जो मेरे को बीमारी थी वो बीमारी बताया, बताने के बाद में वो बताता है कि तुम्हारे को 1-1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा और कम से कम 1-2 साल तुम्हारे को रिपेयर होने में लगेगा।
और ज्यादा पैसा खर्चा करोगे तो मेरे को यानी क्या चार जगह पे ऑपरेशन करने का बोला था। अब मैं बोला भाई हमारे को बीमारी क्या है ऐसा, तो बोले तुम्हारे को साइटिका है। अब साइटिका का मतलब ऐसा होता है कि रक्त अपनी जो वाहिनी होती है वो चोकअप होती है, इससे रक्त वाहिनी बंद होने के बाद में एक साइड मेरे को चलती नहीं आता, बिल्कुल ये लगे होता ऐसी यानी क्या कुछ डिब्बे में ही चलता था। अब इसके बाद में उसने ऐसा बताया तो मैं घबर गया, घर पे गया, विचार करते बैठा। अभी गांव में एक डॉक्टर था उसके पास में गया, उसको जो ये डॉक्टर ने मेरे को पर्ची दिया था वो पर्ची भी अभी मजबूत उनके पास में गुरुजी के पास में, और वो डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोले आपके पास में इतना पैसा नहीं है तो मैं तुम्हारे को गोलियां लिख के देता है, ये तुम्हारे को 9000 गोली का कोर्स करना होगा। मैं भाई ठीक है, तुम थोड़े थोड़े पैसे मेरे रोज लेने का है गोली और खाने का है। मैं ठीक है, तो गोली लेते लेते अभी थोड़ा फर्क गिरता है लेकिन वो गोली का असर इतना है कि जब तक गोली का पावर है तब तक वो बंद रहता है, और गोली का पावर खत्म हो गया कि निकल जाता है। जब हमारा लड़का इधर आया था इसने हमारे को ऐसा बता दिया था कि मैं ठीक होगा, इधर के हरियाणा से फोन किया था महाराष्ट्र में, तो इसका सुनकर हम भी एक दिन ऐसे ही जो एक बापू नेरकर बोल के जिसका दुकान इसके ऊपर है गंगा के ऊपर फोटो का काम करते हो, तो बापू नेरकर ने मेरे को नासिक रोड लाया है। वो मैं सिर्फ पर्ची पे आया था, मालूम तो कुछ नहीं था लेकिन पर्ची पढ़ने के बाद में वैसे ही मेरे को उन्होंने उधर से टिकट निकाल के बापू नेरकर ने बैठा के दिया ट्रेन के अंदर। जो नासिक रोड से मैं निकला तो सीधा जिंद आया, जिंद आने के बाद में भी मेरे को बहुत दिक्कत आई इधर आने में, लेकिन परमात्मा ने मेरे को सही जगह पे बरोबर लेके आए। अब इधर आने के बाद में मेरे को कुछ मालूम नहीं था, तो मैं पहली बार आया आश्रम में, आश्रम में मेरे को अंदर घुसते मेरे को ऐसे इधर का नियम जो था ये मालूम नहीं था, इसके लिए मैं दो तीन लोगों पे ऐसा इधर के गुस्सा कर लिया है। तो बोले तुम गुस्सा करो, तुम जितना गुस्सा कर रहे हो उतना परमात्मा को सब समझ रहा है, तुम उपदेश लेंगे तो तुम्हारे को दर्शन होगा। अब मेरा उपदेश मतलब मैं समझा नहीं उपदेश का मतलब क्या है, तो मेरा उपदेश क्या होता है, तो बोले हम तुम्हारे को पढ़ के दिखाएंगे। अब मेरा मेरे को पढ़ना गिरना कुछ नहीं है, तुम्हारे को जो भी बोलना है वो मैं साइन कर देता है। तो बोले ठीक है, फिर उपदेश लिया, फिर परमात्मा के पास मेरे यार परमात्मा को सब बता दिया, तो परमात्मा ने बोले बेटा तू ठीक हो जाएगी। अब वो ठीक होने को मेरे को कम से कम एक डेढ़ महीना हो गया है, तो अभी ये अवसर मिल गया है इसीलिए हम इधर आए और हमने जो सच्चाई थी वो बता दिया है। अब यही प्रूफ मेरे को महाराष्ट्र के सब लोगों के लिए बन गया है कि जिसको उपदेश लेना है और जिसी को ठीक होना है वो जल्द से जल्द इधर आश्रम में आए सतलोक आश्रम में हरियाणा में, और वो इधर आके उपदेश लेवे, और उनको कितना भी दिक्कतें आने वाली कैसा भी दुख या कैसा भी कुछ हो वो बरोबर ठीक इधर आके होएगा, ये हमारे को गारंटी हुआ है। क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बहुत बड़े डॉक्टर यानी क्या पुलिस डिपार्टमेंट में खुद मेरे को पैसा वर्गनी बोला करके दिया है उधर, और जो डॉक्टर के पास में इलाज नहीं हुआ वही पुलिस डिपार्टमेंट ने उधर जाकर वही डॉक्टर से पैसा फिर वापस लिया है। जो डॉक्टर दिमाग का ही करते क्या बताते वो हिप्नियम का ऐसा कुछ भी वो पुणे के अंदर है, उसका नाम है डॉक्टर धन सिंह चौधरी। वो तो कम से कम एक समय में एक 500-600 लोगों का ट्रीटमेंट लेता है वो डॉक्टर, उसके पास में भी नहीं हुआ, फिर हमारा ईश्वर टूट गया था। लेकिन अब इधर आने के बाद में परमात्मा ने हमारे को ठीक कर दिया है, और अभी जो भी भक्त है महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र के भक्त ने यही करने को होना है कि जो भी अपना उपदेश लेगा वो इधर ठीक होगा, ये सबको बताने का है। और ये मेरा भी है जो मैं अभी उधर गुरुजी का प्रचार कर रहा हूँ, हर घर में जाता हूँ और खेती में भी जाता हूँ, खेती में एक दो घर भी है तो भी वो लैपटॉप के अंदर में वो डीवीडी में रखकर वो कैसेट जो है उनको सबको दिखाकर हर गांव में अभी मैं ये 10-15 दिन इधर हुआ मेरे को, अभी 2 महीने से मैं वही काम कर रहा हूँ, मेरे पास में तो काम नहीं है लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। मेरे को मालूम है कि परमात्मा जो है अभी परमात्मा की सेवा करेंगे, और मैं अभी भी ये कहना चाहता हूँ परमात्मा के सामने कि अगर के परमात्मा हमें आदेश दिए तो हम यहाँ से घर नहीं जाएंगे, हम सीधा इधर पृथ्वी पे घूमेंगे, मेरे पास सब कुछ है, मैं गुरु जी का प्रचार करना चाहता हूँ। सिर्फ मेरे को कितनी भी दिक्कतें आएंगी तो मैं घबरने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमने हमें को साथ दिया है। परमात्मा हमारे पीछे, परमात्मा ने हमें 3 दिन से हमारी 4-4 बार मुलाकातें ली है और हमें यही बताया कि बेटे तू घबर मत, हम तुम्हारे साथ है, हमारा भरोसा है कि हमारे को परमात्मा की वजह से कोई दिक्कत ही नहीं है, और हम महाराष्ट्र में क्या ऑल इंडिया में भी घुस सकते हैं। अगर गुरु जी का आदेश हो तो हम आज के बाद घर भी नहीं जाएंगे, और हर गांव में, हर कस्बे में, हर गली में, हर चौपटी में यही दिखाएंगे, किसी को रोकना है तो हमें रोक सकते हैं, हम तो किसी से घबरने वाले नहीं है, ये हमारा हक का वादा है। सब सैद बंदी छोड़ वो टेबलेट की गिठड़ी दिखा, वो दवाइयां जो तूने ला रखी हैं वो कहाँ रखी है दिखाओ एक बार, वो आपके जो ट्रीटमेंट का है जो आपके पास रिपोर्ट है वो देख, ये देखो ये परमात्मा, अरे इनकी रिपोर्ट देखो,
एक्सरे देखो बेचारों के, गरीब आदमी है, लाखों रुपए का खर्चा होना था, राज ये कुर्बान हो रहा है, नुक है कि मैंने चाहे शीश भी देना पड़ो मालिक के नाम पर, मेरे को जीवन दान दे दिया। ये नासिक यही नहीं है, यहां से 1300-1500 किलोमीटर दूर पड़ता है, और ये तीसरी बार आ लिया दो महीने के अंदर अंदर। तो पुणात्मा परमात्मा कबीर जी पूर्ण ब्रह्म है, सारा सुख देंगे आपको। देख गोड़ी कितनी है भगवान, हे परमात्मा। और ये डीवीडी प्लेयर है, इसके अंदर दो रखा था, ये रिपोर्ट है इनकी, ये एक्सरे, ये परमेश्वर है। और फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हो गए केवल परमात्मा कबीर जी के नाम से। ये पाप काट दिए उस परम पिता ने, इसका प्रारब्ध में कर्म जो थे पाप कर्म से दंड वो ठीक कर दिए। ये सारी रिपोर्टें ले रखी है। बस इतना ही काफी बेटा, देख लिया। और जिसका विश्वास होना है ना पुण्य आत्मा को, वो तुम ही हो लेगा। और कर्म ही ना है उसका, चाहे सिर काट के डर दे तो भी असर ना होगा करे, ठीक हो गया। बोलो सतगुरु देव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, ये वो पूर्ण परमात्मा है जो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 जेठ उत्तरते की पूर्णमासी को बनारस के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, सर्वसृष्टि रचनहार है। ये अपने सतलोक से चलकर रिप धाम से चलकर आते हैं, और हम काल के जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को हमारे निज स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। क्योंकि यहां पर काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने हम सभी को गुमराह किया हुआ है। इसने अपने स्वार्थ व समय यहां पर रोक रखा है, हमें झूठा लालच देकर यहां पर बांधा हुआ है। ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है, ये तेरी कार है, ये तेरी कोठी है, ये तेरी संपत्ति है। और एक सेकंड का यहां कोई भरोसा नहीं कि कब किसकी मृत्यु हो जावे, ना वो कार है उसकी, ना वो कोठी है उसकी, ना बेटा है उसकी, ना बेटी है उसकी। ये हमारे को मूर्ख बना रखा है इसने। हम सब एक पिता की संतान है, चाहे चीटी है चाहे हाथी है, रंक है या राजा है, कोई पशु पक्षी देवता बने हैं। इसने अपने सूझबूझ से यहाँ एक मैथुन सृष्टि चालू करके हमारे ओरिजिनल शरीर के ऊपर 3-4 कवर इसे चढ़ा दिए कि हमारा वास्तविक अस्तित्व इसने बिल्कुल समाप्त तुल्य कर दिया। और हम अपने आप को एक जीव समझ बैठे, और आपस में ही हमारे यहां नर मादा बना करके मैथुन सृष्टि के माध्यम से बाई फोर्स, यहां पर भी जो भी काम है सारा बाई फोर्स करवाया जा रहा है। जीव के अंदर इतनी वासना भर दी काल ने कि ये रजोगुण इतना भर दिया कि इसके बस की बात नहीं है संतान उत्पत्ति ना करे, चाहे को कितनी बात बनाता हो। ये सब अब हमारी जो आंखें बन गई हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है, अब हमें तो ये क्लियर दिखाई देने लग गया कि इसने जानबूझ कर हमें फंसा रखे हैं, और हमें जानबूझ के इतना पीड़ित कर रखा है कि ये चिल्लावा बुरी तरह, हाहाकार माची रहे, और इनका पिता रोए बैठ कर सतलोक में। इसने इसलिए किया है ये कि हम सतलोक में रहते थे,
और हमने अपनी नालायकी से अपने परमात्मा को भूल गए, इस काल में आस्था कर ली। अपनात्माओं, आज जो इस समागम समापन हो रहा है, ये चार दिन चला, कल ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी थी, ये इसी उपलक्ष में मनाया जाता किया जाता है कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को अपनी जानकारी देने के लिए स्वयं इस काल के लोक में आता है, क्योंकि ये काल भगवान और किसी को यहां सच नहीं बोलने देता। युधिष्ठिर ने कोशिश की थी मैं सच बोलूं, लेकिन लास्ट में उस पर भी झूठ बुलवा दी। अपने आत्माओं और किसी को भी सच मार्ग नहीं ये बताने देता, कितने ही मैं ऋषि पा करे थे, इसलिए उन्होंने किसी ने भी ज्ञान नहीं था भक्ति के बारे में, कह कह भी नहीं जानते थे। हाँ, अन्य उपासनाएं करवा दी, जैसे तप कर लिया, सिद्धियां आ गई, जैसे अगस्त ऋषि ने सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया, ये सारी उम्र डले डोण पर लगे रहे और एकादि कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेते जिससे उनकी यहाँ वो स्तुति बोल जाती, प्रसिद्धि हो जाती है, और मान बड़ाई की भूख में वो अपना जीवन नष्ट कर जाते। पुण्यात्मा, उस परमेश्वर ने आकर हमें प्रत्येक युग में समझाने की चेष्टा की है। प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी घने दुखी ना होते, क्योंकि उन पुनकर्मी प्राणियों का उसमें नंबर आता है, पहले वाले युगों में जो बहुत पुनकर्मी प्राणी होते हैं, जिनके पुण्यों के आधार से ना उनको कोई रोग होता है, ना कोई व्यवसाय में विशेष घाटा होता है, ना कोई उनको आपत्ति आती है, और ना कोई ऐसी विशेष प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जब तक उनके पुण्य ठीक चलते हैं। तो जो प्रत्येक पुराने पुण्य आत्मा होता है, परमात्मा चाहने वाले होते हैं, सभी भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, और सबकी कोई ना कोई उप इस ढूंढ में, इस शरीर में कोई ना कोई कमल किसी का खुल जाता है, उसमें वो देखता रहता है, नाच गाने और बैठा रहता है आंखें बंद करके, वेदों से ओम मंत्र ले लेता है, उसकी साधना साथ करता रहता है, उससे सिद्धियां आ जाती हैं, कुछ तप बन जाता है, अगले जन्म में वो राजा बन जाता है, राजा बनकर अपने कर्म फोड़कर फिर गधा बन जाता है। तो ऐसे पहले वाले युगों में हम भगवान के निकट नहीं पहुंच पाए। इस कलियुग को मालिक ने इसलिए चुना था कि कलियुग में इनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, और पुण्य समाप्त हो जाने से पाप का जब दौर चलेगा, हाहाकार मचेगी, और फिर ये परमात्मा की तलाश में चलेंगे। ठीक है, नकली संत भी काल भेजता है, वो नकली संतों के पास भी ये पहुंच जाते हैं, और उन नकली संतों के पास 10-20 बरस ये धक्के खाकर वहां कोई लाभ नहीं होगा, फिर बाद में परमात्मा अपना दास भेजते हैं, जो दास भेज रखा है। अब सब जगह जो अभी गए हुए हैं, यहां आ रहे हैं, उन संतों के पास उनको कोई लाभ हुआ नहीं, जब तक उनके पुण्य चले तब तक तो वो सोच रहे थे हमें लाभ इसी संत से हो रहा है, जब उनके पुण्य समाप्त हो गए, पाप का दौर चला, हाहाकार माचगी, किसी का कैंसर हो रही है, किसी की रीढ़ हड्डी में खराबी होगी, किसी का व्यवसाय का नाश हो पड़ा है, तो रोते हैं आकर के, हमने वहां 30 वर्ष खो दिए फलाने पंथ में, हमने 20 वर्ष खो दिए फलाने पंथ में, कोई लाभ नहीं हुआ, बुरा हाल हो रहा है। तो परमात्मा ने इसको युग को इसलिए चुना था कि पहले ये नकली पंथ संत सारे चल चला लेंगे, और इन्होंने जो कुछ भी कहना सुनना होगा सारी अपनी कह सुनकर ये फाइनल कर लेंगे, और फिर परमात्मा ने अब इनकी सबकी जड़ दिखा दी। सभी पंथों में क्या साधना है, वो के मंत्र बतावे हैं, के क्या ज्ञान देते हैं, ये सभी पंथों के हमारे पास उपलब्ध हैं, और श्रद्धालुओं को भी खूब पता है। तो अब ये सभी के सभी नष्ट हो जाएंगे, ये पंथ नहीं रहेंगे, चाहे ये राजनीतिक दल वैसे बन जाओ, लेकिन ये भक्ति मार्ग पर नहीं रह सकेंगे, ये कुछ ही दिनों की बात है, आप देख लेना, क्योंकि इनके पास ज्ञान तो है नहीं, भक्ति मार्ग है नहीं, पुण्यात्मा वार करेंगी क्या, जिनको ज्ञान होता जाएगा वो डांक ठोक देंगी, भाग्य आओगे यहां पर दौड़कर,
अपने भगवान के पास चलेंगे। इस काल भगवान ने हमारे को इतना पीड़ित किया हुआ है, पहले तो मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं, कोई भी सुखी नहीं है। और मान लीजिए इस झूठे सुख में ये माया के ऊपर सवार होकर कुछ दिन चल लेते हैं, जो सोचा हम सुखी हैं, लेकिन सुखी तो नहीं है वो, पर हमने ऐसा लगता है जैसे ये सुखी हों, लेकिन न जाने कब के बिजली गिर जा, कोई बेटा मर जा, टांग कट जा, कैंसर हो जा, पता नहीं और कोई आपदा ऐसी एकदम आ पड़े। जैसे सन 2000 के अंदर गुजरात में भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मना रहा था 26 जनवरी, और सब छुट्टी के दिन, सब सुबह सुबह 8-9 बजे अपने घर में बैठे, कोई चाय पी रहा, कोई रोटी खा रहा, कोई टीवी देख रहा, 26 जनवरी देखने की तैयारी कर रहे सारे, सब के सब घर में, क्योंकि छुट्टी थी और विशेष एक पर्व भी था। उसी समय ऐसा भूकंप आया, 3-3 मंजिल की कोठियां जो बनाने में 2-2 पीढ़ी लागी होंगी उनकी, और सारे के सारे उन्हीं के नीचे दबकर समाप्त हो गए, लाखों की संख्या में वो मनुष्य नष्ट हो गए। कोई कुछ स्कीम बना रहा था, कोई कुछ स्कीम बना रहा था, किसी की लड़की बहनी थी, किसी ने कार लेनी थी, किसी ने रजिस्ट्री करवानी थी, और सब धरा धराया रह गया। तो परमात्मा कहते तुम्हारे को धोखे में रखा हुआ इस काल भगवान ने, और तुम मेरी बात को आप मान नहीं रहे। परमात्मा रोते हैं, रोते हुए कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोव मोहे, और कहे कबीर हमारे वियोग को पर समझ नहीं सकता कोई। मैं तो अपने बच्चों को रोता करता हूं कि आ जाओ तुम मेरी शरण में आ जाओ, अब भी तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम चलो अपने लोक में जहां से तुम आए हो, वहां तुम्हारे बहुत बड़े बड़े महल हैं, वो हीरे पन्ने जड़े हुए हैं, वो ऐसा स्थान है जहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां जरा मरण नहीं है, जरा मीन बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु नहीं है। ये सचकर मान लेना पुण्यात्माओं, क्योंकि हमने ये ज्ञान सुना नहीं था। और ईश्वर दशा में पंथ और दंत और सदगुरु पंथ वाले ने जब कुछ सतलोक का की जिक्र किया तो उन्हें कह कहेगा बेरा नहीं था। वो कहते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा निराकार है, और परमात्मा में ऐसे समा जाना है जैसे बूंद समुन्द्र में। अब बूंद समुद्र में जाना है तो कौन डूब कर मरेगा वहां पर, किसकी इच्छा बनेगी सतलोक में जाने की, कोई बात हो या? और स्वयं वो कर ले नो दीदार महल में, प्यारा इस वक्त में लास्ट में परमात्मा कबीर जी ने लिखा है कि वहां सतलोक में जाने के बाद प्राणी की, अब इस जीवात्मा का शरीर 16 सूर्य जितना तेजो में होता है, वहां इतना तेजो में उसका शरीर मिलता है, साकार साकार है वहां पर जीव, ये हंस रूप में है, वहां जीव नहीं रहता, हंस रूप में हो जाता है, हंस मनुष्य जैसा ही है, लेकिन हंस उसको कहते हैं जो विकार रहित हो, और उसका तेजो में शरीर हो जाता है। और वहां परमात्मा भी परम हंस रूप में है, और जैसे आत्मा और परमात्मा कहते हैं ऐसे ही हंस और परम हंस समझो। तो वहां करने नौ दीदार महल में प्यारा है, उसकी लास्ट कली में लिखा है कि वहां सतपुरुष के सिर पर वो यहां से गई हुई आत्मा प्यार में खुशी में अपने भगवान के सिर ऊपर चौर करती है, अरे भले अंधो तुम निराकार बताओ, और जिस शब्द का सहारा लेकर तुम सतलोक के गुण गाओ उसमें साकार बता रहा है, क्योंकि भगवान साकार है, उसके ऊपर वो हंस आत्मा चौर करती है। पुण्यात्माओं इस परमात्मा ने आके बताया, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता वाई, एक न करता दो न करता नौ ठहराए वाई, दसमा भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। परमात्मा कहते हैं यहाँ पर यो ज्योत निरंजन यो ब्रह्म नौका मैं भगवान हूँ और परमात्मा है कोई ना, और एक में भी कामना चले न, नौ अवतार बना दिए, नौ भगवान इन्हें सिद्ध कर लिए, इन अवतारों को भी ये परमात्मा कहते हैं। जबकि शिव पुराण
रुद्र संहिता में। ये काल भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्मा और विष्णु जी को कहता है कि मैं ईश हूं, मेरे अतिरिक्त और कोई भगवान नहीं है और तुम भगवान नहीं हो। परमात्मा की वाणी सुख संवेद में पहले ही लिखा हुआ था कि ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन और मैं करता भाई, ये भगवान बने बैठा है यहां पर कि मैं भगवान हूं और परमात्मा से है कोई नहीं। तो इस प्रकार भ्रमित कर दिया इस काल ने हम सभी को। इसके लिए देखिएगा प्रमाण पुण्यात्माओं, ये ऐसा जटिल प्रश्न बना दिया, विषय बना दिया इस काल भगवान ने मिसगाइड करके प्यारी आत्माओं को कि इस अंधकार को हटाने के लिए पल पल में प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो यू मन एक सेकंड भी नहीं सुने परमात्मा की इस सत्य ज्ञान को। इतना कड़वा है। रुद्र संहिता में आपको दिखाते हैं कि एक बार ब्रह्मा विष्णु जी की आपस में लड़ाई होगी, इस बात पर होगी कि ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। दोनों का आपस में गुप्तम गुप्ता, जैसे तीसरी चौथी कक्षा के बालक लड़ाया कर आपस में, वो कहेगा मैं तेरा बाप, दूसरा कहेगा मैं तेरा बाप, दे मुक्का मुक्का। और फिर टीचर के पास जाते हैं दोनों, टीचर पूछता है भाई क्या झगड़ा तुम्हारा, एक कहता जी यू दो बोला मैं तेरा बाप, वो कहता ना जी पहले इसने कहा था मैं तेरा बाप, इसलिए लड़ रहे थे। तो ये जिनको हम भगवान मानना थे, जिनके हम आसरा लिए बैठे थे, तो उनकी यह दशा है पहली तीसरी चौथी कक्षा के बालक से भी निम्न सतन के विचार उनके क्रियाएं हैं, तो वो हमें कहां पार उतारेंगे। ये ब्रह्मा और विष्णु देखिएगा अपनात्मा, ये ज्ञान घना जरूरी होगा आपको बार बार समझाना और दिखाना, नहीं तो कबीर साहब की मैं इतनी गाय जो आपके सामने अच्छा मगर पानी पड़े आपका, ऐसी लीला उस मालिक की। लेकिन वो आपको जब सुहावेंगी तब सुहावेंगी जब आप इस दृढ़ हो जाओगे कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, फिर देखना। जैसे हम रामकृष्ण जी को फाइनल मार बैठे थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, सभी एक तरह की कथा सुनते सुनते हम बहरे हो लिए थे, और उनके बारे में जो भी कथा सुनी सुनाई जाती थी, सुदामा और कृष्ण जी की कथा सुनाते थे, तो आंखें मत पानी पड़ा करता हमारा कि सुदामा गरीब था, ऐसे जाकर खड़ा हो गया, फिर भगवान भाजे आए दौड़े आए फिर उनको सीने से लगा लिया। ये तो एक नेक आत्मा का प्रथम कर्तव्य बना है कि अपने मित्र और साथी और रिश्तेदार को इतना प्यार दे, जो दुखी हो उसका सहयोग दे। लेकिन इन्हीं क्रियाओं से हमने उनको भगवान मान लिया। अब ये भी प्रसंग आपके सामने आएगा कि दो मुट्ठी सुदामा के चावल खाकर श्री कृष्ण जी ने एक द्वारका में उस एक उसकी सुदामा जी की कमल बना दिया था। ये तो एक रिश्तेदार को मंत्री मुख्यमंत्री वो बनवा दिया अपने रिश्तेदार का मित्र का, इतना काम तो भी कर दे। और कबीर परमेश्वर ने तैमूर लंग नाम के एक लोहार का, गरीब लोहार था, मुसलमान लोहार था, उसकी एक रोटी खाई थी और सात पीढ़ी का राज दे दिया, तो उसको भगवान नहीं मान पाए। क्यों नहीं मान पाए? क्योंकि ये जची को ना कि कबीर इज गॉड, और जब तक हमारा ये मन में दृढ़ नहीं होगा कि कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, तो तब तक परमात्मा की महिमा आपने सुहावा को नहीं। तो इसलिए सिद्ध करना चाहता है दास बार बार कि ये भगवान जिनको हम पूर्ण परमात्मा मान बैठे थे, राम विष्णु और ब्रह्मा शिव जी को, उनकी क्या स्थिति थी, वो कितने भगवान थे, ये देखिएगा। ये शिव महापुराण, श्री शिव महापुराण, ये है विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। हाँ, विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित। अब इसके देखना, ये देखिएगा, ये शिव पुराण और विद्वेश्वर संहिता भाग एक और अध्याय छह में
यहां से देखिए तो नंदीकेश्वर बोले, यहां देखिएगा नंदीकेश्वर बोले, नंदीकेश्वर जो भगवान शिव का वाहन है, नंदीकेश्वर बोले हे योगेंद्र आगे एक समय विष्णु भगवान से शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, ये जान से देखियो, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी को ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ लिखा है। राघवेंद्र की क्रिया देखना, अपनी इच्छा से ही वहां आए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए यानी सोते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है वह द्रोही, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले वत्स, विष्णु जी बोले बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो, इसमें तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। अब नंदीकेश्वर बतावे है, नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से और युद्ध करने में उत्सुक हुए। आगे देखियो, तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। ओह, ये हमारे देवता देख लो, अब दो आदमी लड़ रहे हैं, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे हैं और देवता ऊपर तो फूल बरसाओ, शाबाश मरो कटके, जबकि उनका फर्ज बना था आकर के कि भगवानों यदि तुम ही ऐसे लड़ोगे तो हमारा क्या होगा, जनता के शिक्षा लेगी आपसे। उनका फर्ज तो यू बना था बीच बचाव करने का, वह ऊपर तो फूल बरसाओ न कर शाबाश और दो है? अब ये स्थिति है जिनको हम भगवान मानना थे, जिनसे हम कल्याण मान रहे थे, ये हमारा कल्याण करेंगे, इनका आपका ना हो रहा कल्याण। तो पुण्यात्माओं, ये सच्चाई है और ये सच्चाई परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताई थी कबीर जी ने, जो की तो दास आपको सदग्रंथों में से रूबरू करा रहा है। लेकिन उस समय इन अज्ञानी संतों ऋषियों गुरुओं ने परमात्मा जी का घोर विरोध किया और कहा कि ये कबीर झूठा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये तोहीन करता है, इनकी बेइज्जती करता है, इनको भगवान नहीं बताता है, इसको मारो, पत्थर मारो, डड़े मारो, राजा को शिकायत कर दी, राजा भी विरोधी कर दिए, उन दुष्टों ने घोर पाप आप भी सिर पे रख लिया और साथ में उस समय के राजाओं को भी दोषी बनवा दिया, लेकिन परमात्मा का वो कुछ बिगाड़ नहीं सके। और सच्चाई को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता पुण्यात्माओं,
आज ये सच्चाई फिर ढोल के डंके से सामने आवेगी, पूरा विश्व इसको लोहा मानेगा और इसके अनुसरण करना पड़ेगा और करेगा। अब ब्रह्म ज्ञानियों में ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ बताओ थे, और वो नौकर है विष्णु जी ने, मैं तेरा बाप, विष्णु जी का मैं तेरा बाप, और गुट्टम गुट्टा हथियार उठा दिए। अब आगे देखो, अभी अब ज्यादा ना सुना के दास ये बताना चाहता है, ये दास ये बताना चाहता है कि ये ब्रह्मा और विष्णु भगवान नहीं है, ये परमात्मा बहुत पहले बताया करते थे। गुण तीनों की भक्ति में ये भ्रम पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पारे। परमात्मा ने अपने सूक्ष्म बोध वेद में लिखा है कि तीनों देवता काल हैं, तीनों देवा काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और भूले चूके समझियो सब का हूं उपदेश। अब ये काल क्यों कहे, इसलिए कहे कि जैसे ये काल के पुत्र हैं, और काल भगवान ने इन तीनों को एक एक विभाग दे दिया, जिसके कारण ये इनके इनको इनका भी दोष नहीं है, क्योंकि इनको इस काल ने इन गुणों से युक्त कर दिया। अब जैसे मिर्च का स्वभाव है तो मिर्च का ये दोष है, लेकिन वो दोष भी उसी का, क्योंकि मिर्च से ही दुख होता है, जैसे छौंक लगा रसोई में मिर्चों का, और वो छींक आई तीसरे कमरे में भी, रसोई वाला न तो आवे आवे और आसपास के अक्षेत्र में भी उसने प्रभाव डाल दिया। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी एक एक गुण युक्त कर दिए इसने, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और इन तीनों के प्रभाव से जीव यहां पर पीड़ित हो रहा है। जैसे छींक आई आ रही है, छींक को जीव नहीं रोक सकता, इंसान नहीं रोक सकता, उस मिर्च के प्रभाव इतना जबरदस्त प्रभाव, ऐसे ही रजोगुण के प्रभाव को जीव के वशकारी उसको रोक दे, और सतोगुण का प्रभाव जैसे यहां एक दूसरे में प्यार मोह ममता संपत्ति बेटा बेटी में लगाओ, यह सच्ची थी, ये है सतोगुण विष्णु जी का के कारण उनसे उनके शरीर से निकल रही हुआ मिर्च जैसी जो शक्ति। ऐसे ही तमोगुण है, जैसे दो छोटी सी बात पर नौका आकर नौका का बोला ना हमारा बीपी आई हो जाए तो बोलिए मैं इतना लड़ पड़ूंगा तेरे, अब उसके बस का नहीं, वो तो उस तमोगुण के कारण उसके अंदर है, वो जरा सा भी डिस्बेल अनबैलेंस होने ही लाठी उठा लेगा। तो इस प्रकार परमात्मा ने, क्योंकि ये तीनों उस काल के सहयोगी परमान मतलब एक नंबर के सहयोगी हो गए, सर्वप्रथम श्रेष्ठ सहयोगी है जीव को यहां फंसाए रखने के लिए, और फिर ये दयालु बहुत हैं, ये अपने सत्र में बहुत अच्छी आत्मा है, इसलिए इनको परमात्मा पद यहां पर दिया गया, पर श्रेष्ठ आत्मा है। ये खुद चाहते हैं कि किसी का बुरा ना करे, फिर भी हो जाता है और करना पड़ जाता है, ये ऐसी व्यवस्था बन जाती है यहां पर। तो इस प्रकार परमात्मा ने इनकी यथार्थ स्थिति बताकर फिर कहा है कि तीनों देवा दिल में बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनको बंधिए, फिर सुन सतगुरु उपदेश। क्योंकि यहां के ये जो ये तीनों भगवान हैं और इनके अंतर्गत हम यहां इन्हीं से कंट्रोल्ड हैं, हमने स्वदेश जाना है तो सर्वप्रथम इनकी मजदूरी करनी पड़ेगी, जो आपको मंत्र दिए जाते हैं वह मजदूरी इन्हीं की है, और फिर ये आपको जब हम इनका ऋण दे देंगे उतार देंगे तो ये हम यहां से जाने के लिए परी कर देंगे। इन भगवानों के अंदर शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, मूल कमल में गणेश जी, उससे आगे स्वाद कमल में ब्रह्मा और सावित्री जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, कंठ कमल में यहाँ पीछे की तरफ है ये, इसमें दुर्गा जी, और सहस्रार कमल के अंदर ये काल भगवान ज्योति निर्मल है, त्रिकुटी कमल में परमात्मा कबीर जी, वो समझ लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां सभी के अलग अलग प्लेटफॉर्म है,
वहां परमात्मा कबीर जी अन्य रूप में रहते हैं। अब हमारा प्रसंग ये चल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, लेकिन ये हमारे गले उतरन नहीं दी उन अज्ञानियों ने, और जिन पुराणों को, जिन ग्रंथों को, जिन वेदों को हम सत्य मानते थे, आज दास उन्हीं में परमात्मा के द्वारा बताएगी उनके सूक्ष्म वेद में, उनकी अमर वाणी में, कबीर वाणी में लिखी हुई बात को आज ये पुराण समर्थन दे रहे हैं, ये दिखा रहा है, देखिएगा। और उसमें क्या हुआ कि ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ने लगे, आपस में लड़ने लगे, बहुत सी सेना भी मृगी, तो उन दोनों के बीच में एक तेजो में खंभा खड़ा कर दिया जिसमें से लाइट निकल रही थी, बहुत ज्यादा खंभा पिलर, और ब्रह्मा और विष्णु ने झगड़ा तो बंद कर दिया, नो देखने लायक गए, यू डर गए वो एकदम भयभीत हो गए। फिर देखा कि ये परमात्मा ने क्या वस्तु छोड़ दी, एक ऊपर को चल दिया एक नीचे को, कि इसका और छोर देख कहां आगे। विष्णु जी वापस आ गए, ब्रह्मा जी भी वापस आ गए, तो ब्रह्मा जी से विष्णु ने पूछा कि आपने इसका और छोर पा गया, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दी पा गया, तो विष्णु जी कहता भी मन ने तो नहीं पाया, इसने सच्ची बोल दी। तो कहने का भाव ये है कि फिर यु काल शिव रूप में प्रकट हो गया। अब ये काल है, इसका बहुत भयंकर जाल है, कबीर जी ने दास को बताया, वो दास आपके सामने सार्वजनिक कर रहा है। ये क्या करता है, ये स्वयं ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धारण करता है अलग अलग, और दुर्गा को इसी पैरेलल जब ये ब्रह्मा रूप में होता है तो दुर्गा को ये सावित्री रूप बना लेता है, सावित्री रूप बना लेती है वो दुर्गा, और इन दोनों के संयोग से पुत्र उत्पन्न होता है, वो उसी के स्वरूप ब्रह्मा जैसा ही उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उसके चार मुंह होते हैं, चार पांच मुंह हो जाते हैं, मुख होते हैं, और इसने इन गुणों युक्त करने का क्या तरीका बना रखा है, इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि स्थल पर सबसे ऊपर स्थान को इसने ऐसा गुप्त बना रखा है कि वहां कोई देवता नहीं जा सकता, न ब्रह्मा जा सकता, न विष्णु, न शिव जी, वहां ये दुर्गा जा सकती है, और वो भी इसकी आज्ञा से। तो इसने वहां तीन स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में तीन कक्ष हों, और एक कक्ष में जैसे अश्लील चित्र लगे हों, अर्धनग्न शरीर हों, तो उसमें जब कोई जाएगा तो उसके मन में मलिनता आएगी, गंदे विचार उत्पन्न होंगे, जब तक वो वहां रहेगा उनको देख देख कर उसका मन उन्हीं मलिन विचारों से ग्रस्त रहेगा। इसी प्रकार जैसे दूसरे कक्ष में साधु संत फकीरों के, महान आत्माओं के चित्र लगे हों, तो वहां जाते ही उनकी कथाओं को याद कर करके, उनकी चित्र को देख देख कर अपने आप मन शांत होता चला जाता है, और जब तक उसमें रहेगा वो प्राणी, उसको उन्हीं विचारों में वो डूबा रहेगा। और तीसरे कक्ष में लगे हों सूरवीर शहीदों के फोटो, देशभक्तों के, वहां जाकर के उसके वैसे ही विचार उन जैसे विचारों गिरदे से यू कर दो वैसे खून खोलने लग जाता है, तो जब तक वो उनके वहां रहता है उनके चित्र देख देखकर अपने आप मन में ऐसी प्रेरणा बनी रहती है। तो ऐसे इस काल भगवान ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को एक एक गुण युक्त करने के लिए ये तरीका अपनाया। जब ये दोनों दुर्गा और ये ज्योति निरंजन काल रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ब्रह्मा, जब ये ब्रह्मा रूप में होता उसी जैसे रूप का उत्पन्न हो जाता है, और ये
रजोगुण से परिपूर्ण हो जाता है। इसमें रजोगुण का पूर्ण रूप से रजोगुण का प्रभाव होता है और आंशिक रूप तो प्रत्येक जीव में वो अन्य जैसे विष्णु जी के प्रभाव से शिव के प्रभाव से थोड़ा बहुत असर दूसरा भी रहता है। और दूसरा इसने सतोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है तो उसमें ये स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण कराता है। इन दोनों के संयोग तब तक ये उसी क्षेत्र में रहते हैं जब तक बालक का जन्म नहीं हो लेता। तो जब इन उनके द्वारा बच्चा उत्पन्न होता है तो वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है। जब फिर इनको अचेत करते चले जाते हैं बच्चों को, इनको कोमा में रखते हैं, इनको जब तक ये युवा होते हैं 20-20 साल के वर्ष के 18-18 वर्ष के तब तक इनको ये अचेत रखते हैं, बेहोश रखते हैं। और फिर ये तीसरे अक्षेत्र में उस तमोगुण प्रधान अक्षेत्र में जाते हैं तो वहां ये क्या करता है शिव रूप धारण कर लेता है। जैसे हम शिव जी को देखते हैं ना, हाथ में त्रिशूल और जटा बढ़ा रखी, गल में सांप सोंप डाल रखे, तो और इस तरह का वो रूप बना लेता है। और उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में ये जब तक रहते हैं इनके अंदर वैसे ही विचार बने रहते हैं दुर्गा और इसके अंदर, और दुर्गा को ये पार्वती रूप बना लेता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका स्वरूप भी उसी जैसा ही हो जाता है और वो उसका नाम भी शिव रख देता है। और फिर इन तीनों को बेहोश रखता है। जब ये युवा हो जाते हैं तीनों को होश में ला करके एक स्थान पर इकट्ठा कर देता है गुप्त प्रेरणा से, और फिर इनको एक एक विभाग बांट कर और अपने खाने के लिए 100,000 मानव श्रीधारी प्राणियों के आहार करने का इनको श्राप लगा हुआ है इस काल भगवान को। तो उसके लिए हमें यहां पर इसने रोका हुआ है, हमें हर तरह से ये मिसगाइड किए बैठा है। इसने कोई भी सत्य हमारे को नहीं बताई, ना भगवान के बारे में, ना कोई बस ये स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग महास्वर्ग तक पहुंच जाओ, ये चारों वेदों तक भक्ति के साथ साथ अपनी ओर या शास्त्र विरुद्ध साधना तप की ओर बाण गेर दी इनको, तो ये डिसीजन गलत साधना कर करके यहाँ प्रभु पा के जाते, भोली आत्माओं में सिद्धि प्राप्त करके ये प्रभु हो जाते। इनको महर्षि पता नहीं कितना सदर ये भगवान उतर गए, कपिल जैसों को भगवान की संज्ञा दे रखी थी कपिल मुनि जी को, और कपिल मुनि ने ऐसा काम करा सगड़ के 60,000 बेटे काट दिए मार दिए। तय हथियार तो मार दो और तय सिद्धि तो मार दो, हत्या तो हत्या ही होती है। अब मरने वाले क्या था कलजा पाट गया, चाहे कुकरे मार दो, उसने जंतर मंत्र तो मार दो, चाहे अपने हथियार से मार दो। तो इस तरह हमारे को यहां इसने अरहट के कोल्लू में अरहट के कुएं में डाल रखे है। अब प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये परमात्मा नहीं है। अब देखिएगा यही वो शिव पुराण है, प्रश्न नंबर 17 पर अध्याय नंबर 9 में विद्वेश्वर संहिता। ये नंदी केश्वर फिर बता रहा है, नंदी केश्वर बोले इस प्रकार, नंदी केश्वर बता रहा है कि भगवान ने वो काल भगवान क्या कहता है कि मेरे, ये देखिएगा, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं है। ये काल कह रहा है कि और कोई परमात्मा नहीं है, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप वो पिलर और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, यानी शिव रूप में आ गया। इससे ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर रूप ईश रूप सगुण है। मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने, अथवा दूसरों को, तुम दोनों को और अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव तुम आदि सारे किसी को भी तुम भगवान नहीं हो। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ।
इसको दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते करते हैं।